नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। पाकिस्तान किस तरह अल्पसंख्यकों के लिए टॉर्चर फैक्ट्री बन चुका है, इसका नया सबूत पाकिस्तान से आया है। पाकिस्तान की ननकाना साहिब में जिस सिख लड़की का अपहरण करके उसकी जबरन मुस्लिम युवक से शादी करवाई गई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान पुलिस ने कल सिख लड़की को बरामद करने और 8 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। पाकिस्तान पुलिस का वो दावा झूठा निकला है। खुद अगवा हुए लड़की के भाई ने बताया है कि लड़की का अब तक कोई पता नहीं है और अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो पाकिस्तान में सिख लड़की का धर्मांतरण कर जबरन उसका निकाह करवा दिया गया और फिर पाकिस्तान की ओर से यह झूठ बोला गया कि इस मामले में कार्रवाई की गई है। जो पीड़ित लड़की है उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है और 8 लोगों की गिरफ्तारी का दावा भी किया गया था, लेकिन पाकिस्तान पुलिस की ओर से यह झूठ बोला गया क्योंकि खुद पीड़ित लड़की के भाई की ओर से यह कहा गया है कि उनकी बहन वापस घर नहीं लौटी है और जो दावा किया जा रहा है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कल से एक वीडियो जा रही है पूरी न्यूज में कि हमें हमारी बच्ची हमारी बहन वापस मिल गई और गिरफ्तारी हुई। इस तरह की ये एक फेक न्यूज है, ये किसी किस्म की गलत, हर किस्म की ये गलत न्यूज है। इस तरह की कोई बात नहीं है, ना हमें हमारी बच्ची हमारी बहन दीदी के वापस गई है, ना हमारे साथ इंसाफ हुआ है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली से गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनजिंदर सिंह जी, ये तो दावा किया जा रहा था कि जो पीड़ित लड़की है उसको परिवार वालों को सौंप दिया गया है और साथ ही साथ 8 लोगों की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन उनके भाई तो कह रहे हैं कि उनकी बहन तो वापस घर लौटी ही नहीं है। लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पाकिस्तान का ये बड़ा झूठ, और जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, ये सिख लड़की जिसका धर्मांतरण कर दिया गया, उसके बाद जबरन उसका निकाह करवाया गया, उसे धमकी दी जा रही थी कि उसके परिवार वालों को नहीं छोड़ा जाएगा अगर वो ये निकाह नहीं करेगी, और फिर पाकिस्तान की ओर से ये झूठ भी बोला जाता है कि जो पीड़ित लड़की है उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है, 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, और ये जो शख्स जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जमात-उद-दावा का सदस्य है, आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का सदस्य, जिसके साथ ये जबरन निकाह करवा दिया गया 19 साल की इस लड़की का। और अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान का असली चेहरा। और इस वक्त एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं मनजिंदर सिंह सिरसा से बात करने की। मनजिंदर सिंह जी, कहा यह जा रहा था कि 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई, जो पीड़ित लड़की है परिवार वालों को सौंप दिया गया, लेकिन इस लड़की के भाई तो कह रहे हैं कि बहन तो घर पहुंची ही नहीं है और न ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, ये गलत जानकारी दी जा रही थी। मैंने अभी अभी परिवार की वीडियो भी शेयर करी, अगर आपने देखी हो, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा गया और ये जो लोग कर रहे थे झूठ बोल रहे थे। परिवार में अभी मैं लगातार टच में हूँ, परिवार ने बताया कि उनकी बेटी को कल गवर्नर हाउस में उनको दिखाया गया था, खाली मिलवाया भी गया और ये कहा गया था कि कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर। आज परिवार ने गुरुद्वारा ननकाना साहब में मीटिंग करी है और सबने अभी यूनैनिमसली वहां से वीडियो डालकर बताया है कि किस तरह सरकार उन पर अत्याचार कर रही है। जी मनजिंदर जी, लेकिन जिस तरह से ये झूठ बोला जा रहा है और ये बात फैलाई जा रही है, तो अब आगे आगे क्या किया जाएगा? लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लगातार दबाव भी डाला जा रहा है, यहाँ पर कूटनीतिक स्तर पर भी दबाव डाला जा रहा है और मांग की जा रही है इमरान सरकार से कि वो इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करे। देखिए, हम तो दबाव भी डाल सकते हैं, हम तो सरकार को भी कहा है कि यूएनओ के पास इस इश्यू को रेज करें हाईएस्ट लेवल पर, क्योंकि ये एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है और इस तरह का काम करना, क्योंकि जब लोग आज इस मुल्क में हम जिस दुनिया में हम जिंदा हैं, आज एक धर्म को जबरदस्ती एक छोटी सी बच्ची का धर्म परिवर्तन किया जाए, जबरन उससे शादी कराई जाए, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? और उसके अंदर सरकार दखल ना दे पा रही हो, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब सरकार जानबूझकर दखल देना नहीं चाहती। जब गवर्नर हाउस में लड़की को मिलवाया जाता है, इसका मतलब सरकार के संज्ञान में है सब कुछ, उसके बावजूद लड़की वापस अगर मां बाप को नहीं दी जाती, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती किसी चुनी हुई सरकार के लिए। जी और सिरसा साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आतंकी साजिश की जा रही है वहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ। ये जो शख्स
जिसके साथ निकाह करवाया गया इस लड़की का, वो जमात उद दावा का सदस्य है। बिल्कुल, हमें कल उन्होंने बताया था, मैंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि ये जमात उल दावा जो एक वहां की आतंकी संगठन है उसका ये एक मॉड्यूल है, और ये 8 लड़कों का गिरोह है जिन्होंने पहले भी ऐसे काम किए हैं। पुलिस की जानकारी में सब कुछ है, पुलिस बजाय उनको पकड़ने के जिनके भाई और परिवार के ऊपर दबाव बना रही है, तुम मीडिया से बातचीत न करो, तुम लिख कर दे दो लड़की अपनी मर्जी से गई है आप वरना हम आपसे मुकदमा दर्ज करेंगे, पुलिस उल्टा इनको धमका रही है। आप देखिए कि एक गवर्नर साहब के घर के अंदर लड़की को मिलवाया ना जाए और दिखाया जाए, ये तो ऐसे जैसे कुछ किडनैपिंग का मूवी में हम सीन देखते थे, ऐसा तो कभी हमने जीवन में देखा नहीं है कि किसी की माँ बाप के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा हो, उनकी बच्ची उनकी आंखों के सामने और मिलवाया ना जाए और उसका जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाए, ये तो कभी हमने कल्पना भी नहीं की ऐसा कभी युग में ऐसा हो सकता है इस दुनिया के अंदर जब डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में जी रहे हैं हम। जी, और सोशल मीडिया पर तो ये बात भी चल रही थी मंजिंदर जी कि जो पंजाब के वहां के गवर्नर हैं उन्होंने भी पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की है, तो दिखाने की ये कोशिश हो रही है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, जो बेटी है वो भी पहुंचा दी गई परिवार वालों के पास और 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल ये झूठ प्रचार फैलाया जा रहा है, इसलिए फैलाया जा रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पे आज एक इंटरनेशनल सिख कॉन्फ्रेंस है और कल हमने ये आह्वान किया था कि सारे सिख जो हैं लाहौर में गवर्नर हाउस में उसका विरोध करेंगे, इसलिए इन्होंने रात रात में ये मैरिज किया और लड़की के माँ बाप को दिखाया, इनका मकसद ये।